बच्चों, आज हम व्याकरण में विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। इसे हम पहले पढ़ चुके हैं, आज इसे हम पुनः दोहराएंगे। आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा और अपनी नोटबुक में लिखिएगा। विशेषण की परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेष्य क्या है? विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण के चार भेद होते हैं। पहला, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, अवस्था आदि का ज्ञान कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, काला आदि। दूसरा, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे तीन, पाँच, कुछ आदि। तीसरा, परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल का ज्ञान कराने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे 5 मीटर, 3 लीटर आदि। चौथा, सार्वनामिक विशेषण। संज्ञा की विशेषता बताने वाले सर्वनाम शब्दों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, जैसे यह किताब, वह स्कूल आदि।